मैंने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में लिखित कंप्लेंट फाइल की है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय को अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले में सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज के द्वारा पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाए। मेरा अनुरोध करने का कारण यह है कि विकास दुबे खुद जाकर के सरेंडर करता है। विकास दुबे को यह आभास होता है कि उसका एनकाउंटर कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके पहले वाले साथियों का भी ऐसे ही एनकाउंटर किया गया था। इसके लिए उसने प्रयास किया कि मीडियाकर्मी उसके सरेंडर करने के समय में उपस्थित रहें, और मीडियाकर्मी की उपस्थिति में ही उसने सरेंडर किया और वहाँ पर चिल्लाता भी है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे संदेह होता है कि ऐसा अपराधी भागने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होती है। मीडियाकर्मी उनके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन घटना घटने के कुछ समय पहले मीडियाकर्मी को रोक दिया जाता है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पे घटती है। सवाल यह है कि 30 से 40 उत्तर प्रदेश के वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स जो विकास दुबे के साथ रहते हैं, एक पिस्तौल छीन करके भागने के प्रयास में उसको सीने में गोली मार देते हैं, कमर में गोली मार देते हैं। वो इतने सक्षम नहीं रहते कि ऐसे भागते हुए अपराधी को कैसे पकड़ा जाता है, इस मामले में संदेह क्रिएट करता है। मेरा ऐसा भी बोलना है कि इस मामले में हो सकता है कि बड़े पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वालों ने ही टिप दी थी जिसकी वजह से विकास दुबे ऐसा जघन्य अपराध करने में सफल रहा और 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है, जो कि निंदनीय है। तो उसमें उसको सहयोग करने वाले पुलिस ऑफिसर्स, बड़े छोटे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को बचाने के लिए विकास दुबे की आवाज़ दबा दी गई है। इसलिए मेरा ऐसा अनुरोध है कि पुलिस के इस कृत्य को, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए और लॉ एंड ऑर्डर इसमें मेंटेन हो सके, एक अच्छा मैसेज समाज में जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान में है, ऐसा कोई अनुचित कदम नहीं उठाया जाएगा।